मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश में सबसे अधिक 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान छतरपुर से दर्ज हुआ। वहीं मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी हुआ। नौतपे से पूरा मध्य प्रदेश तप रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान गुजरात की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों के शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी बीच प्रदेश में सबसे अधिक 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान छतरपुर से दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 2 जून नौतपा की समाप्ति के बाद प्रदेश में प्री मानसून आने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। वहीं इस हल्की बारिश से लू से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी जो है मौसम में बात करें तो कुछ जगह हीट वेव का चांस रहेगा, कुछ जगह आइसोलेटेड रेन थंडरस्टॉर्म गस्टिविंड का चलने का चांस है। और इसकी वजह है कि एक बेस्ट एंड डिस्टर्बेंस जो अफगानिस्तान एडजॉइनिंग पाकिस्तान पर 3.1 किलोमीटर पर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और 71 लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड 28 नॉर्थ पर परसिस्ट कर रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन है राजस्थान के ऊपर, एक टफ लाइन जो है वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश से होते हुए वेस्ट बांग्लादेश तक जा रही है और ये जो है साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश साउथ बिहार और सब हिमालय वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम पर 0.9 से जा रही है। इसके कारण जो है कि कहीं कहीं हीट वेव का चांस रहेगा और आइसोलेटेड रेन रहेगा। रेन का चांस है डिंडोरी कटनी जबलपुर मंडला पन्ना दमोह सागर छतरपुर टीकमगढ़ निवारी और विदिशा राजस्थान में होने की संभावना है। गश्ती दिन के साथ रेन और जो टेम्परेचर है अधिकतम वो छतरपुर बिजावर पास 47.1 था, शिवपुरी में 47.1 था और ऐसे ही कई जगह हाई टेम्परेचर रहने की संभावना आज भी है। बारिश का हो गया पहले। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।